रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सभी को मेरा सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैं शुरू करता हूँ अपनी बात उसके नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, जो बड़ा दयावान और कृपाशील है। बड़ाई और प्रशंसा उसी ईश्वर के लिए है जो हम सब का और इस सारी कायनात और सृष्टि का अकेला सृष्टा और रचयिता है। बड़ाई और प्रशंसा उसी ईश्वर के लिए है जो अकेला है, उस जैसा कोई नहीं, जो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, जो हर चीज का जानने वाला है, सर्वज्ञानी है, जो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट, जो हर जगह मौजूद है, यहां भी है, हमसे बहुत निकट और बहुत करीब है, इतना निकट और इतना करीब कि वो हम सबको देख भी रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी जानता है कि हमारे मन और मस्तिष्क में, हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वो हमारी भावनाओं को, वो हमारे विचारों और ख्यालात को, वो हमारे दिल में उठने वाले जज्बात को, और यहां तक कि वो हमारी नियतों और हमारे इरादों और इंटेंशंस को भी अच्छी तरह जानता है। हमारा विश्वास है कि एक दिन हम सबको उसी के आगे हाजिर होना है, जिसने भेजा है उसी के आगे वापस जाना है, और जाकर इस पूरे जीवन का, इस पूरे ये जो लाइफ है हमारी, उसके एक एक पल का, एक एक अमल का, एक एक कर्म का हिसाब देना है। ईश्वर की विशेष कृपा और शांति, दुरूद और सलाम हो उन तमाम ईश दूतों पर, उन तमाम संदेशताओं पर, प्रॉफिट्स और पैगंबरों पर, जो समय समय पर इस धरती पर उस मालिक की तरफ से अमन का, शांति का, समर्पण का और उस एक ईश्वर का संदेश लेकर मानव जाति को मार्गदर्शन देते रहे। मैं सबसे पहले जमात इस्लामी हिंद मुंबई सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज की शाम ये बहुत ही खूबसूरत मजलिस सजाई है, और मुझे इस बात पर खुशी है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि दिल्ली से मुझे यहाँ आकर आप लोगों के बीच इस खूबसूरत मजलिस में शरीक होने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं इस पर उस मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ और आयोजकों को भी मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ईद खुशी का दिन है, खुशी का त्योहार है, और आज की तकरीब इसलिए रखी गई कि हम सब मिलकर इस खुशी को और कई गुना बढ़ाएं। जमात इस्लामी हिंद आज से नहीं, 7 दशकों से, पिछले 75 सालों से हर जगह, छोटे गांव में, बड़े शहरों में, इस तरह के कार्यक्रम बराबर करती आई है, और हम ये समझते हैं कि हमारा देश, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग आस्थाओं के लोग, अलग अलग विचारधाराएं रखने वाले लोग, ईश्वर को मानने वाले भी और ईश्वर को न मानने वाले लोग भी यहां रहते हैं, एक बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे बीच आपस में संवाद हो, डायलॉग हो, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे की आस्थाओं को, एक दूसरे के रीति रिवाजों को, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जमात इस्लामी हिंद समझती है कि इस तरह के कार्यक्रमों से आपस में एक संवाद, एक डायलॉग, एक कम्युनिकेशन वो पैदा होता है, और इसकी बहुत ज्यादा आज और ज्यादा इसकी जरूरत है। इस्लाम जिसकी बात यहां की गई उसका अर्थ है
ईश्वर के आगे, उस सृष्टा के आगे संपूर्ण समर्पण। समर्पण का नाम इस्लाम है, उसको उसको अरबी में कहेंगे इस्लाम कहेंगे, उसको संस्कृत या हिंदी में अगर अनुवाद कहेंगे तो सृष्टा के आगे संपूर्ण समर्पण का नाम इस्लाम है। इस्लाम का दूसरा अर्थ शांति भी है, और उसका कारण यह है कि जब इंसान उस सृष्टा के आगे पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो फिर उसके मन में भी और उसके बाहर भी शांति पैदा होती है। जब वो ईश्वर के आगे समर्पण अपना लेता है तो फिर वो अन्याय नहीं करता, तो फिर वो अत्याचार नहीं करता। जब ईश्वर के आगे वो समर्पण की भावना से अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित करता है तो वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता, दूसरों को छोटा नहीं समझता। तो इस मौके पर यही बात मुझे अर्ज करनी है कि इस्लाम का अर्थ शांति है, इस्लाम का अर्थ समर्पण है। और यहां ये बात आई, बहुत से लोग ये समझते हैं कि सारी हिंसा और नफरत और दूरियों की वजह जो है वो धर्म है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उस ईश्वर में, जो एक ईश्वर है, उसने इंसान को एक जोड़े से बनाया है। हम सारे इंसानों के माँ बाप माता पिता एक हैं। कहीं उनको आदम और हव्वा कहा गया है, कहीं किसी और नाम से पुकारा गया है। सारी दुनिया में जितने इंसान बसते हैं उनकी रगों में जो खून है वो एक ही माँ बाप का खून है। इतना निकट का रिश्ता है, ये कौन है जो हमको एक दूसरे से अलग करना चाहता है? धर्म नहीं। उस ईश्वर ने समय समय पर अपने संदेशवाहक भेजे, इसीलिए कि इंसान अपनी प्रकृति पर आ जाए, इंसान अपने अपनी नेचर पर लौट आए और उससे दूर न जाए। इंसान की नेचर क्या है? प्रेम इंसान की नेचर है, एक दूसरे का सम्मान इंसान की नेचर है, शांति इंसान की नेचर है, न्याय इंसान की नेचर है। लेकिन जब इसके विपरीत जाता है, नफरत नेचर के खिलाफ है, झूठ नेचर के खिलाफ है, एक दूसरे को छोटा और नीच समझना ये नेचर के खिलाफ है, इंसान का सम्मान न करना ये नेचर के खिलाफ है, तो ईश्वर के संदेश वाहकों ने, ईश्वर ने संदेश दिया और वो संदेश यही है कि इंसानों तुम उस नेचर पर लौट आओ, उस प्रकृति पर लौट आओ जिस प्रकृति पर हमने तुमको बनाया। और आखिरी बात जो इस बारे में मुझे कहनी है वो ये कि उस ईश्वर ने सभी धर्म सभी संदेशताओं के माध्यम से ये संदेश भेजा कि ये दुनिया, ये भौतिक दुनिया, ये अंत नहीं है, ये तुम्हारा असल घर नहीं है, ये तुम्हारे लिए इम्तहान और परीक्षा की जगह है। यहां तुम्हें इम्तहान और परीक्षा के लिए भेजा गया है कि तुम कैसे आचरण करते हो, ये देखने के लिए कि तुम्हारा आचरण कैसा रहता है अपने साथ, अपने दूसरे इंसानों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और उस ईश्वर के साथ जिसने तुम्हें बनाया है, उसके साथ तुम्हारा आचरण कैसा रहता है। तो सभी संदेशताओं ने ये बात कही कि इस दुनिया के बाद एक ऐसी दुनिया है जो अनंत दुनिया है, जिसका अंत नहीं है, और ये दुनिया परीक्षा की जगह है और वो दुनिया इनाम और सजा की जगह है। इनाम और सजा यहां भी थोड़ा बहुत मिल सकता है लेकिन वो संपूर्ण और कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए इनाम और सजा की जगह वो है जो अनंत है। और ईश्वर अपने बनाए हुए इंसानों से इतना प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता कि इंसान भटक कर गलत रास्ते पर जाए। सबसे पहला इंसान हजरत आदम है, और उसके बाद 100,000 से ज्यादा नबी और पैगंबर आए, सबने एक ही संदेश दिया, एक ईश्वर जिसने इस सृष्टि को हम सबको बनाया है उसके आगे झुको,
उसके जो संदेश कहा है, जो संदेश लाए हैं उसकी बात मानो और समर्पण का रास्ता अपनाओ और उस परलोक की कामयाबी के लिए इस धरती पर अपने लोगों के साथ, इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार और आचरण करो। ये इसका मूल संदेश है और सभी नबियों और पैगंबरों ने यही संदेश दिया। मैं आज महसूस करता हूं कि आज यहां हम सब बैठे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, धर्माचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान हैं। ये एक भारत का एक छोटा रूप यहाँ नजर आता है और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करें और ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम दूसरे के विचारों से सहमत हो जाएं, लेकिन एक दूसरे के विचारों को जानना जरूरी है। असहमति होने के बावजूद हम एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। असहमति नेचुरल है, उस ईश्वर ने भी हमारे ऊपर कोई चीज थोपी नहीं है, उसने हमको आजादी दी, उसने हमको स्वतंत्रता दी है, उसने हमको विवेक दिया, अकल दी है, बुद्धि दी है और उसने अपनी निशानियां इस दुनिया में हमारे सामने बिखेर दी कि हम इस विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके सच्चाई को और सत्य को जानने की कोशिश करें। वो चाहता तो हमको हमारे ऊपर ये भी थोप देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंसान की आजादी उसकी निगाह में सबसे ज्यादा अहम है और जब तक इंसान को आजादी नहीं होगी उसकी परीक्षा कैसे हो सकती है? जब तक इंसान अच्छा या बुरा करने के लिए आजाद नहीं होगा उसको इनाम या सजा कैसे दी जा सकती है? ये एक लॉजिकल चीज है। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, हम सब ने मिलकर इस देश को आजाद कराया, अपने अपने धर्म और आस्थाओं पर अपनी पहचान के साथ रहते हुए हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और देश आजाद हुआ। आज हमारे देश में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, हमारा जो संविधान है, जिसके बुनियादी मूल्य हैं, जिसकी तरफ इशारा किया गया है कि इस देश में तमाम नागरिकों नागरिक समान है, इक्वालिटी बिटवीन सिटीजंस, हर एक के साथ इंसाफ और जस्टिस होना चाहिए, हर एक को लिबर्टी और फ्रीडम होना चाहिए कि वो जो चाहे रास्ता अपनाए, जो चाहे विचारधारा अपनाए, उस पर आचरण करे, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे। और तीसरा ये कि सबके साथ न्याय और जस्टिस, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, किसी का शोषण ना हो। और चौथी और अहम बात जो हमारे संविधान में कही गई वो है फ्रेटर्निटी, आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, आपसी विश्वास। ये चार मूल्य जो संविधान में रखे गए हैं, ये धर्म के भी मूल्य हैं, इस्लाम के भी मूल्य हैं, ये बुनियादी मूल्य हैं जिन पर हम सब एग्री करते हैं और उसी पर ये देश चल सकता है, इसी से देश मजबूत हो सकता है। ये बात सही है कि कुछ स्वार्थी लोग जो तादाद में बहुत ज्यादा नहीं लेकिन संगठित हैं, वो झूठ के आधार पर, नफरत के आधार पर हमारे और आपके बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, समाज में आग लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत थोड़े हैं लेकिन वो संगठित हैं। आज जरूरत इस बात की है कि प्रेम और शांति का संदेश देने वाले, न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने वाले, आपसी सद्भाव के मैसेज को आगे बढ़ाने वाले और इस देश को एक शांति और न्याय और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले लोगों को भी संगठित होना पड़े। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा कि बताया गया कि हमारे देश का एक राज्य मणिपुर, जहां अभी हिंसा जारी है और जहां आगजनी हो रही है, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, हम सब ईश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें कि वहां भी अमन और शांति हो और सरकार अमन और शांति स्थापित करने में अपनी दायित्व और जिम्मेदारी को निभाए और हम पूरे देश में अमन और शांति के लिए और न्याय और समृद्धि के लिए हम सब मिलकर उस मालिक से प्रार्थना करते हैं।
उसी ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आयोजकों को एक बार फिर से धन्यवाद और आप तमाम का शुक्रिया।